अस्सलाम वालेकुम, ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा। आज हम शो में एक अहम मसला डिस्कस करेंगे जो हर साल सैकड़ों गरीब घरों को तबाह कर देता है। वो है मुफ्त उम्रे का लालच देकर गरीब और सादा लोगों को सऊदी अरब भेजने के बहाने ड्रग स्मगल करना। ये एक ग्रुप है जो साउथ पंजाब में बहुत एक्टिव है और उन लोगों को ये कहकर सामान देते हैं कि वहाँ हमारे रिश्तेदार आपसे ले लेंगे। अगर ये लोग एयरपोर्ट पे सेफ एंड साउंड क्रॉस कर जाएं तो इनकी दिहाड़ी लग जाती है करोड़ों की, लेकिन अगर वो पकड़े जाएं तो ये जालिम गायब हो जाते हैं और उनको वहाँ सजाए मौत हो जाती है। इसी मुनासबत से आज हमारे शो में डमी म्यूजियम से दो टूर ऑपरेटर्स मौजूद हैं जो कि सऊदीया में मुकीम हैं लेकिन हैं पाकिस्तानी। जी अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं इन्हां दी गल नाल इत्तेफाक नहीं करता, मैं कोई अपना नुकता नजर पेश करना चाह रहा। सस्टेन। ओ कह तो दिया उन्होंने सस्टेन। ओ क्यों दे? अगे टुरो। सीधी तरह बंदा कहे मुंह फुट। वैसे जो उन्होंने थोड़ा तारुफ कराया थोड़ा बोलना बनता नहीं, और मुझे यकीन हो गया है कि ये वाकई ऐसे हैं। तो सड़ते इल्जाम है, ये सब झूठ है हाजा। आप बताएं ना कि आप क्या करते हैं? असी बंदे भेजी दे हज दुआवां, ए वेखो साडियां ते शकलां ते फिटकार पै जवे सी, ओ कम करिए। दो दफा अंदर हुए ना आप? हां जी हाजा। और केस होए सी? और केस कौन सा था? ऐसी पर्सनल मामले हुए? कोई पर्सनल नहीं था, इसी चक्कर में अंदर हुए थे। तीन दफा इनकी शिकायत हो चुकी है, दो दफा जेल, एक दफा सऊदीया में अंदर होते होते बचे थे। बाहर कितना आ गए? ये भाग के इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था, ये वहां से यमन गए, यमन से पता नहीं कहां से कहां होते होते आरफ वाला पहुंच। साड़ी पकीर बोटी यकीन करे ना, पाकिस्तान को बदनाम करते हो, नंगे आदमी है तो तुम। मैडम आपने हमें फोन करके बुलाया है, सानू दसना दसिया के ए भाई बैठा है। एस कुड़ी दा होया बेड़ा गर्क। क्यों जी? बड़ा इधर शफाफ खरगोश का मुंह है। यार आप लोगों को तमीज नहीं है बात करने की? आप ना बात करें, आपको नहीं पता आपने कितने दिल दुखा रखे हैं। क्यों जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? बताऊंगा जरा, चाचा मार ले एक बार इसे। आप तो सभी इत्थों गए हुए हैं जी? यहीं से जाते हैं दोगी, और साउथ पंजाब में ये वबा वाकई आम है जैसे उसने बताया। गेटअप नहीं समझ में आया, ये यही कुछ करते हैं। वहां जाते गेटअप वो अपना लेते हैं जो अशराफिया का है, द कल्चर दैट लुक्स डाउन ऑन यू, यू ऑलवेज टेंड टू अडॉप्ट इट। बिल्कुल। जब अंग्रेज इतना रोशन ख्याल नहीं था ना जी, वो बड़ा स्टिफ नेक्ड होता था, तो यहाँ के ब्राउन साहब देखते ना कि अब अंग्रेज कोई नहीं है तो हम अंग्रेज हैं, वो फिर अंग्रेजों के अंदाज में। ये लफ्ज ओए जी, ये जी। ओए पंजाबी में नहीं है, किस ज़बान का? ये कॉकनी आया है, ये अंग्रेज लेकर आया था, फ्रेंच में बोला जाता है ओए। 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 तहकीर है इसमें ओए। भाई यार एक सवाल है तुम्हारा। ओए इधर मैं ना करता। एक सवाल है वैसे, तुसी थिएटर ते काम कीता है? हाँ जी कीता। पढ़ी लिखी बहुत ही गल होवे ना ते आइटम करके समझा दे, उसने ऐसे किया अंग्रेज ने। क्या कहने गूंगिया दा हीरो हुंदा? गूंगे इंज इशारे नहीं करदे हुंदे। तैनू नहीं पता गूंगे केड़ा केड़ा इशारा करदे ही। देखो जी सड़ते इल्जाम है, असीं लोकां नूं उत्थे लै के जांदे आ, लोकां दी मदद करने आ। तुम लोगों ने पाकिस्तान को बदनाम किया है, घटिया इंसान। आहा की गल शर्बत पे आता उन्हें। आहा बात सुनो, जब वहां लोग पकड़े जाते हैं, छोड़े मनुष्यात को, जब ओवरस्टे के दौरान पकड़े जाते हैं, वहां की जेलों में गलते सड़ते हैं, तो उस वक्त तुम क्या फील करते होगे? तुम ही लेकर गए हो उन्हें। बड़े फूल की तेरे, नहीं समझते भाई। क्या नहीं समझते? देखो जी तरीके दसी देने के कि छुप के रहना है। अच्छा, यानी तो छोड़ते को मंगन लग पे। अच्छा तुम हसे रिहा करो, बहुत अच्छे लगते हो। क्या कहने क्रिस्टल की बतक होंगी? क्या मतलब है कभी खरगोश कभी बतख? सोने ही एडे हो, यकीन करो तुसी होस्ट ना ना होंदे, जे तुहाडे अरगे पढ़े लिखे जान ना तुसी तां सऊदीया कंगाल कर दियो। उत्थे जिहड़ा तेल दे खूह ने ना, उन्होंने बाद जमात दे खूह बना लेने। सर आप सऊदीया जाते हैं तो आपको कभी इन जैसों के साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, वहां पर कस्मा पुरसी नजर आती है लोगों की, के मतलब खास तौर पे पैन हैंडलिंग करते हुए खवातीन, बाकायदा अफसोस से कहना पड़ता है खुश शक्ल खवातीन, वो इस कदर सेडक्टिव अंदाज में भीख मांग रही होती हैं, और हरम के सामने, बिल्कुल सामने। ऐसे तो कोई नहीं धोखा दे सकता, तू इतने चोरों को धोखा दे, एक जुती उधर छोड़ती एक उधर छोड़ती, जुती चोर 8 घंटा बैठा रहा भी आ लैन दे। क्यों? वो कहना मैं ऑटोग्राफ लेने। ये क्या किस्सा है? ये था जब हज करने गए ना वहां पे, तो पूरे मकतब में ये बात आम थी कि अच्छा जूता पहन के वहां नहीं जाना, बिल्कुल, क्योंकि वहां से जूता चुरा लिया जाता है। बिल्कुल। उसने बताया कि यहाँ पर बांग्लादेशी, श्रीलंकन, इंडियन, पाकिस्तानी, सूडानीज, यमनी, ये हमारे ग्राहक हैं, ये खरीदते हैं यूज्ड जूते। तो मैंने
ऐसी काम का डेर ले ली सबके सामने कि भी मेरा जूता नहीं चुराया जाएगा। तो सर फिर जूता नहीं चोरी हुआ आपका? पूरी हज तक जूता चोरी नहीं हुआ, उसी जूते में मैं वापस आया। सर आपने किया क्या फिर? किया ये कि जूता एक पांव मैं एक जगह रखता था, दूसरा पांव वो तकरीबन दो कनाल दूर वो जो चोरी करने आता है, जूता तो अच्छा है लेकिन एक पांव है, लेकिन एक पांव मैं किसे दूंगा? कहता थे वो सोचदा रहा खरे को लंगड़ा अंदर गया। पाकिस्तान आईदा सी इत्थे शिकार शकूर करन, तुहानू पता है कोरोने दी वजह किन्ना बेड़ा गर्क हो गया। चार प्रिंस मेरे दोस्त है कहने उथे, अब जाकर उनकी कासा लेसी करते हैं, उनके यहाशिया बरदार हैं। कासा लेसी है नहीं तुसी कहना चाह रहे हो? कह दो डिजिटल है जी। हाँ जी, कासा कौला नहीं होता। हाँ जी, कासा लेस, लेस। कासा उठा के फिरना। ते हाशिया बरदारी क्यों दी जी? हाशिया शीशे को कहते हैं, आईने को, कि जब कोई सेठ शेव कर रहा है, बाल बना रहा है, तो तुम जैसे साथ साथ हाशिया लेके फिर रहे हो। यार भाई बड़ा बड़ा परफेक्ट आइटम आ गया। तुसी एंकर ना होता, तुसी चार्ली होना। चार्ली कौन सा? चार्ली चपलन जड़ा बॉडी। मैं समझा चार्ली विल्सन। ओ हुन कौन है? चार्ली विल्सन एक बड़ा कैरेक्टर था, वो ना होता ना तो अफगान वॉर शायद तुम ना जीत। हेलो अरे ओदा पुछी ना, इथे 1.5 लाख अफगानी मरवा के सारे लड़े ने। तुसी ते कहदे साडा इथे इंटरव्यू होना बेहतरीन तरीके दा। आपने इन्हें एजाज कह के बुलाया था? सर बकवास कर रहे हैं, मैंने आज तक नहीं कहा इन्हें। क्यों भाई? हुने दी किसी मिस्त्रियां की आवाज हुई है। उस टाइम ही रोसिस लग रही सी। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे शो में आइएगा, अच्छा लगेगा हमें। इन्होंने खुद फोन किया था तुम्हें? इन्होंने नहीं से किया, लेकिन पीछे ने दी आवाज आ रही सी। तुम्हें कैसे पता इनकी आवाज? जनाब इन्हां दी आवाज ते दिल च पवस्ते। अच्छा, इन्हां दी वेना ते शो देखने सी, और असी की खान साहब दी वेना शो देखने। खान साहब केड़े हो? फैसल जी साहब। फैसल शेरजान है तो खान भाई। क्या कहने सर, टिम्बर मार्केट दा सदर हुंदा। ये स्टीरियोटाइपिंग करते हैं मेरी, सभी कहते हैं पिस्ता इनकी जेब से निकलेगा। सर खूबसूरत इंसान की जेब जो पिस्ता नहीं, और पेचकस निकलना। जब हमने अपना चैनल शुरू किया उसके बाद आपको एक बहुत शानदार ठेला मिलेगा चने का। किसका होगा? नान होंगे, उसके ऊपर सलाद भी होगा। पाजी बेचेंगे? नहीं, पाजी चैनल चलाएंगे, ये बेचेंगे। और तुम इनके साथ हेल्पर होगे। नाल भतीजी तेरी रहता रूता बनाएगी। जी नहीं। नहीं भतीजी, दोनों जगह काम करेगी, चैनल के अंदर भी और तुम लोगों के साथ। अच्छा मेरी बात सुने, आपने धोखा किया हमारे साथ। मैंने आपके साथ धोखा नहीं किया। धोखा ही किया? तो चाह चू मंगाओ कोई। क्या गाड़ी मंगाइए? पहनो याला है पंजाबी जबान जो है वो बड़ी शानदार है, बड़ी नगमगी है उसमें। हाँ जी, उसको बदनाम किया हुआ है पंजाबी जबान। जेड़ा बंदा पंजाबी बोलता उन्हें समझ दे के बेवकूफ है। ये समझते थे उजड़। वो तो जब पंजाबियों ने फरफर बोलनी शुरू की, फ्रेंच, अंग्रेजी और फारसी, ते लग पता गया चाचा जी। फिर उन्होंने तुम्हारी मां बोली जंगली है जी, देखा नहीं सवेरे 11 बजे थे फार्म हाउस की तबाहियां लाइया होती उस जबान। अच्छा फैसल साहब वर्गे किसी वाल मेहमान गए ना, बच्चे बाहर कहते साढ़े घर अंग्रेज आया। अच्छा यहो जे बंदे नूं ना अफतारी तो 2 घंटे पहले बुला लीता भी दिल लगा रहेगा। दोनों साढ़े मेहर अली शेर अली है। इतने तंग क्यों पड़े हुए हो? सुबह 12 बजे ड्यूटी शुरू होती है। हाँ जी। और रात 12 बजे तक होती है। कोई बात नहीं, 12 घंटे ड्यूटी, हम भी 12 घंटे ही देते हैं। पुलिस वालों की लाइट लेंदे को बांधे ऐसे। चल तुसी कड़ा उसे ट्रालियां लाउंदे रहंदे, उथे बैठ के चावां ही पींदे रहंदे। हर आते जाते को तंग करते हैं आप, रिश्वतें लेते हैं। असी पूंडा आते जाते नु तंग करने हैं। आप पूंड से भी बदतर हैं। कैसे मन पंजाबी नहीं आती थे, पूंड कैसे टका देते। जी आप पंजाबी आती है, समझ आती है, बोलते हुए कभी कभी पर नीचे हो जाता है। जिस दिन तड़ी तफ्तीश हुई ना, तुम फर फर पंजाबी बोलनी। क्यों करेंगे आप मेरी तफ्तीश? थोड़ी तफ्तीश करनी पड़ेगी। एक होता है पुलिस ऑफिसर और एक होता है पुलसिया। दोनों में फर्क लफ्ज तफ्तीश है। जिस दिन तुम पढ़ लिया ना, लग समझ जाएगी मुझे सानू। लेकिन सर गल बड़ी बरीक है, तुम्हारी मोटी अकल च नहीं आनी। अब वो सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं दे रही, अब वो परफॉर्म भी कर रही है। इन्हें हौली हौली भी कहना आहा, इन्हें ट्रर भी कर जाना चाहिए। डॉक्टर तुसी लस्सी ना कुलचा खा दिया वेख लो ना। लस्सी के साथ कुलचा बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी लस्सी। सुभान अल्लाह, एडा ग्लास तरेली वाला ग्लास। नहीं मैं तरेली वाली लस्सी भी नहीं पीता, तरेली वाला पानी भी नहीं पीना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। तरेली वाला क्या होता है?
इस कदर ठंडा कि उसकी आउटर सरफेस पे छोटे छोटे ड्रॉप्स बने हो, उसको जैसे पसीना आया कंडेंसेशन, यानी शबनम के कतरे, शबनम के कतरे, और इतना ठंडा पानी पीकर तुम शबनम नहीं रॉबिन घोष के पास चले जाओगे। ए भाई क्राइम रिपोर्टर भी से और थिएटर भी करदा से। वैसे थाने तो ज्यादा कोई बड़ा थिएटर है क्या? कहने तमासील का मालिक हुंदा, तमासील का मालिक अफजाल अहमद और ये एक जैसे नहीं लगते, वो भी अफजाल चिट्टा और ये भी इंतहाई चिट्टा, फैसल चिट्टा साहब। वैसे ए डॉक्टर साहब तानू मिले किथे ने? मीडिया इज अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड। अच्छा इंग्लिश साडे बल्ले नहीं पैणी, तुम कसम उठाओ तुम्हें इसकी समझ नहीं आई कि मीडिया इज अ स्मॉल वर्ल्ड, मीडिया एक छोटी जी दुनिया है। दो? वो मैंने इंग्लिश आ गई है। अल्लाह करे इनू अकल भी आ जाए। अच्छा चाचा एक गल करके ना, फिर दो घंटे सा लेता है। आपने इनमें ऐसा क्या देखा कि शो ही देता है पूरा? टैलेंटेड है ये, थोड़ा साइड बारिश की ख्याल है ये। आज मैं आपकी तफशीश करती हूँ ना, फिर पता चलता है। बहुत खिदमत की थी आज की तुसी कोरोना दे दौर च ना। आज की नहीं, हर दौर च सी की थी ये। लोगों को शिकायत है कि आप उनको रोकते साथ ही लाठियां बरसाना शुरू कर देते हैं। हर बंदा अपनी वाकफियत गिराने लग पंदा। सर साफिया को मैं बहुत तंग हूं। असी भी बहुत तंग हैं। अवल तो रोकते नहीं। अच्छा। जे रोक लैण ते मैं धक्का ला के मोटरसाइकिल स्टार्ट करनी पैंदी। इस कोल साफ ही दूर जा जा जा। इक साफी ने मैं रोकिया ना उहदी लाइट, ना पिछली लाइट, ना उहदी टैंकी। मैल जमी सी। जा लिया दौर दी एक तस्वीर तुहाडी वेखी मैं। कहां पे? एरी दस होएगी ना कहां पे? थोड़ी जगह खजल होए हो। थोड़ा तुसी मॉडलिंग भी कीती है। ऐ तुसी एनक लाई एनक करके खड़े हो कमीशन वाले। अच्छा सब अमानुल्लाह बनने की बॉन्डी कोशिश करते हैं। अमानुल्लाह वन एंड ओनली था, उसकी जगह नहीं ले सकते। हाथ पुआओ मैं ले लांगा, ऐसी कोई गल नहीं। वो हाथ पुआए बगैर खुद अपने डंडों के जोर पे करता था। इन्हां नूं जो हाथ पा रहे हो अमानुल्लाह नूं हाथ पा जाओ। देखो बस कर दे चाचा। वो बस कर दे, मैं बिरयानी खा रहा हूं। एक ते बहुत अगो तिखा जवाब आ रहा चाचे। वो तो अहीं लैलपुर दे हां, एनजी करने असीं। तुसीं दोवें लैलपुर दे हो? हां जी। आ कुड़ी कौन है? भतीजी मेरी पीएचडी कर रही है। पागल है जी, ऐसुमरे पीएचडी कर रही, जा कितें डीएसपी कर। कोई हवालदारी कर लै, जो माहौल चल रहा ना। पता नहीं कोरोना च बचना के नहीं। जेडे काम आई है करके निकल। जिनी तू सोनी है, तेरा तो पहले एपिसोड च ओदे नाल हो जाना चाहिए सी। हाय हो जाना सी, उमरासी निकलिया हुण। आराम ही सर, कोशिश करो। ये जड़ियां कुड़ियां पीएचडी करन तुर पेंदियां ने, ये नहीं होनी चाहिए। हां तुम्हें जवाब देती है ना आगे से? इहदा जवाब मैं कढ लांगा सारे। आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? हां जी। प्लीज थोड़ा ना पोलाइटली बोला करे जब आप लोगों को डील कर रहे होते हैं। आप लोगों को फ्रेंडली होना चाहिए ताकि कोई और हिरासा ना हो। वो नहीं राम ना कहीदा जी सर, बाहर आओ बिस्मिल्लाह। सर भी किसे बंदे ने होवे कलो उन सर कहने दिल कर रहा। तैनू तो चाचा तो हमारा सर है, तुम क्यों नहीं कहते सर उसे? अच्छा जी मौसे से तेरे सामने मैं 20,000 गिने ना, तू मेनू पणवैया कहने लग पेना। सर तुसी ते कह रहे सी मौसे से कटा मौसे से। भाई जब तक मैंने बात की थी ना उदो तक सीगा, तब तक मौसे था, उसके बाद इसने 20,000 गिन लिया। लैल पूरी फ्लेवर है गए। तेरे रियां कुड़ियां बड़े स्टोर में परफ्यूम चेक कराउंदियां। वैसे बाकी जो नहीं तुम्हारा जो गेटअप है ना, बड़ा अच्छा लिबास होता है। अच्छे बड़े बड़े स्टोर्स जो है ना, खास तौर पे दुबई की मॉल्स में, और यहाँ पे भी पैकेजेस मॉल में चंद बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स जो है बड़ी सूटेड बूटेड होती है। ऐसा साहब के स्टोर दे मैनेजर होंदे, एवें दो बंदे इकट्ठे की रौला भाई इत्थे। तुहाडे म्यूजिशियन ने अज बड़े फौजी टाइप कपड़े पाए। मैं भी ये देख रहा था कि आज तो बड़ा जबरदस्त इन्होंने जो है ना कैमोफ्लाज पहना हुआ है, नीचे नेटो वाले जूते पहने हुए हैं। अभी लगता बॉर्डर पे बजा के आया है। हमें कुछ सीरियस बातें भी करनी चाहिए। व्हाई नॉट ये सारा शो इन्हीं की नजर कर दें। तुसी कितने साडे वाल नजर कर लो ना, मेरे से पंगा नहीं लेना। की गल तुसी किक मार दंदे हो? हां मैं शो। अच्छा जो किक मारती है उसके साथ पंगा ले रहा है जो ब्लैक बेल्ट है? ओदे कोलों ते मैं किकां खाना चाह रहा। मेरी तो दुआ भी सवेरे उठती मैनू ठुड्डे मारे। तेरे बाल फड़क ने इन करे तेरे ते लान ता पावे। क्या कहने, ड्रेस बहुत अच्छा पाया रेड ते ब्लैक। बासुर मैं हैरेसमेंट का केस कर दूंगी, मेरे ड्रेस पे बात मत करना। हट दे केस। ए ड्रेस ते भी हैरेसमेंट हो जाती जी? मैं तो तेरी चाची नू कहता एक बारी के बहुत सोहनी लगदी, उन्हें मेरे ते पर्चा कराता। वो तो झूठ का पर्चा होगा चाचा जी।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚਾਚੀ ਦਾ? ਚਾਚੀ ਦੇ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। बातें तो बहुत हो गई, क्यों ना अब हम बाबर फतेह अली को अपनी सैलरी जस्टिफाई करने का मौका दें। अच्छा जी, सुनाएंगे क्या यहाँ पर? म्यूजिक क्या चलेगा सर? फोक, हमने कोई यहाँ पे फिल्मी गाने नहीं गाने। वाह वाह वाह, फोक में तो ऐसा कुछ है, माइये हैं, टप्पे हैं, दौड़े हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਨੂਸ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਚਕੁੰਦਰ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ फेर भावे मर जावां डोला पिपलां दी छावे कदी बह जावे पिपलां दी छावे कदी बह जावे जिंद तेरे नाल आवां फेर भावे मर जावां डोला बूटे ने काई दे मेरा वेखा माई दे बूटे ने काई दे मेरा वेखा माई दे रुक रुक आमदा ऐसा अल्लाह जाने वक्त निजा ढोला हो राती में जगावां दीवा राती में ਨੀ ਮੇਲਦਾ ਬੂਟੇ ਨੇ ਕਾਈ ਦੇ ਕਿਆ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਵੇਖਾ ਮਾਈ ਦੇ ਰੁਕ ਰੁਕ ਆਮਦਾ ਐਸਾ ਲਾ ਜਾਣੇ ਵਕਤ ਨਿਜ਼ਾ ਢੋਲਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਵਾਓ